ये बात तो है, लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी रही जिन्हें हम क्रिएटिव कह सकते हैं। हर समय हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये वक्त ऐसा रहा जिसमें लोगों को अपनी प्रतिभा को निखारने का एक समय मिला। जो उनके पास हुनर है उसको उन्होंने और निखारा, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। और इनमें एक ऐसा फील्ड जिसे हम कहते हैं कुकिंग का, इसमें जिनको पास बहुत सारा एक कुकिंग का एक हुनर रहा, उन लोगों ने अपने तरह तरह के व्यंजन बना के परिवार वालों का दिल जीत लिया। और फिर एक चीज़ जो देखने को मिली जो बहुत ही अच्छी लगी, जिनको कुकिंग के बारे में कुछ नहीं आता था उन्होंने कुकिंग की कुछ बारीकियाँ सीखी और इस तरीके से परिवार का दिल जीता। सभी लोगों ने एक साथ समय बिताया और इसके अंदर कुछ कुछ क्रिएटिव हुआ। इसी समय पे द वर्तिका शो ने कुकिंग एक्टिविटी, लॉकडाउन कुकिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करी, जिसमें काफ़ी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर और उत्साह के साथ भाग लिया। आइए देखते हैं उसी की कुछ झलकियाँ जो कि इस प्रतियोगिता के विनर्स रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैंगो स्पेशल कुछ बनाते हैं, तो आइए हम बनाते हैं मैंगो स्टफ कुल्फी। तो जिसके लिए हमें चाहिए मिल्क, मैंगो, आलमंड, शुगर, कंडेंस मिल्क, रोज वाटर, केसर एंड इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हम दूध की रबड़ी रेडी करेंगे। इसको हम पहले पूरी तरीके से रबड़ी रेडी करेंगे इसकी। अभी हम दूध को पकने देंगे। 1/3 तक रिड्यूस हो गया है, तो तब तक आइए हम अपने मैंगो को रेडी करते हैं। इसके लिए हमें इसको पहले कट करना है, फिर इसके अंदर से इसकी गुठली को निकालना है, उसके बाद इसमें जो रबड़ी हम बनाएंगे उसको डालना है, देन उसको फ्रीज करना है, कट करना है, फिर हम उसको एंजॉय करेंगे। ये देखिए, इसको आराम से इसके साइड में कट लगाएंगे। पहले ये एलोपिनो है, तो इसकी गुठली थोड़ी सी मोटी होती है, तो आप कोई भी मैंगो ले सकते हैं, कोई भी जिसकी गुठली पतली हो, जिससे आप इजीली निकाल सकें। वैसे एक दो प्रैक्टिस के बाद आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो देखिए, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, पर निकल ही जाएगा ये आराम से इसको। अब हम इसको एक सपोर्ट के लिए बोल में या कोई कप में रख देंगे। इसको देखते हैं, अब हम इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे। शुगर ऐड करेंगे, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमें अभी कंडेंस मिल्क भी ऐड करना है। केसर, इलायची पाउडर, तो ये देखिए हमारा रबड़ी तैयार हो रहा है, कुल्फी का मिक्सचर। इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे, जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। ये देखिए, अब हमारा कुल्फी का मिक्सचर तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल रबड़ी जैसा हो गया है। तो अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको एक बोल में डालेंगे ठंडा करने के लिए। तो हम अभी आलमंड चॉप किया हमने, अब इसमें ये कुल्फी का मिक्सचर हमारा रेडी होके ठंडा हो गया बंदा, तो अभी हम इसमें आलमंड डाल देंगे। एंड इसके बाद इसको हम ट्रांसफर करेंगे एक बॉल में। इस मिक्सचर को इसमें डालेंगे। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया रबड़ी है, और ये जमने के बाद मैंगो विद कुल्फी हो जाएगी। ये देखिए, अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको हम रखेंगे अब फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में। ओके, फिर ठंडा होने के बाद हम इसको कट करेंगे, फिर देखेंगे। तो ये देखिए, अभी हमारा ये फ्रिज हो चुका है कुल्फी, तो अब हम इसको पील करेंगे एंड कट करेंगे। आप पीलर से भी कर सकते हैं, बट मुझे इससे इजी लगता है, तो मैं इससे करती हूँ। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना। अब इसको हम कट करेंगे।
बहुत ही आराम से इसको करना होगा क्योंकि बहुत ही हार्ड है। थ्रेडिंग कर लेते हैं हम। लीजिए, एंजॉय करिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो जैसा कि हमारे पीएम साहब मोदी जी ने बोला है, घर पे ही रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। तो हम लोग बाहर मार्केट नहीं जा सकते। सैंडविच लवर्स और सारी डिशेस के लवर्स घर में हैं, तो हम ब्रेड भी बाहर से नहीं ला सकते, हम पिज्जा स्लाइस नहीं ला सकते, बर्गर्स नहीं ला सकते। तो मैं कामिनी बंग आपके लिए, जो सैंडविच लवर्स हैं उनके लिए चपाती सैंडविच लेके आई हूँ। तो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आज चपाती सैंडविच। आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं चपाती सैंडविच के, ये है मिक्स्ड हर्ब, ये मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर सीजनिंग के लिए है, चाट मसाला, सॉल्ट, ये मैंने अमूल बटर लिया है, बटर, ये है मेयोनीज, ये मेयोनीज लिए है, वेज मेयोनीज है ये, चीज ग्रेटेड है, ये मैंने सॉस लिया है टोमेटो केचप नॉर्मल सॉस, ये मैंने आटा लगाया है जो कि आटा और मैदा, नमक और हल्का सा ऑयल मैंने इसमें डाला है। ये मैंने सैंडविच के लिए लिए हैं बॉइल्ड पोटैटोस, मैंने टोमेटोज लिए हैं, कुकुम्बर ककड़ी ली है, मैंने अनियंस लिए हैं एंड कैप्सिकम्स ली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले मैं रोटी बनाऊंगी इस आटे की, आटे और मैदे की। मैं चपाती बेलना शुरू कर रही हूँ। नॉर्मल चपाती ही बनानी है हमको इसकी। हमारा तवा गर्म हो चुका है, हमको नॉर्मल चपाती को नॉर्मल तरीके से ही सेकना है। अभी एक तरफ से हमारी चपाती सिक गई है, अब हम इसको दूसरी तरफ से दबा के सेकेंगे। हमारी चपाती दूसरी तरफ से भी सिक गई है, गैस ऑफ करके हम चपाती को प्लेट में रखेंगे। अब सबसे पहले हम चपाती पे अमूल बटर लगाएंगे। चपाती पे मैंने अमूल बटर स्प्रेड किया है, देन स्प्रेड टोमेटो केचप, देन मैं मेयोनीज स्प्रेड कर रही हूं। अब मैंने जो ये टमाटो पोटैटो सॉल्ट स्प्रिंकल करूंगी। स्प्रिंकल करने के बाद मैं पहले पोटैटोस लगाऊंगी। फर्स्ट लेयर मैंने पोटैटोस की लगाई है, देन चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। सेकेंड लेयर मैंने टोमेटोस की लगाई है, देन अगेन मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल किया, देन मैंने कुकुम्बर ककड़ी की थर्ड लेयर लगाई है। अगेन मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल किया है, देन मैंने अनियंस की फोर्थ लेयर लगाई है।
अगेन स्प्रिंकल चाट मसाला ऑन इट. द लास्ट लेयर इज ऑफ कैप्सिकम. लास्ट में मैं सीजनिंग करूंगी मिक्स्ड हर्ब से. मिक्स हर्ब स्प्रिंकल करूंगी, चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करूंगी, ऑरिगेनो स्प्रिंकल करूंगी एंड एट लास्ट ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करूंगी. देन मैं इसमें चीज ग्रेटेड डाल रही हूं. स्प्रेड करके मैं इसको बहुत अच्छे से पैक करूंगी. ये देखिए इस टाइप से. जब ये अच्छे से पैक हो जाए, अब गैस ऑन कर दीजिए. तवे को गर्म करने के लिए रख दीजिए. इस पे अमूल बटर स्प्रेड कर रही हूं मैं. इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है. जिस तरफ से मैंने अमूल बटर लगाया है उस तरफ के पार्ट को आप तवे पे इस टाइप से रख दीजिए. जब ये सिक जाए अच्छे से तो उसको टर्न कर दीजिएगा. अगेन मैं अमूल बटर लगा रही हूं ऑन द अदर साइड ऑफ द चपाती. मैंने अमूल बटर लगाया ऑन द अदर साइड ऑफ चपाती एंड इसको मैं इस टाइप से टर्न कर रही हूं. देखिए हमारा मस्त मस्त चटपटा सा स्पाइसी सैंडविच रेडी हो रहा है. नाउ ऑफ द गैस. तो नीचे उतार लेंगे. अब हम इसको पीसेस में कट करेंगे. हमने प्लेटर को डेकोरेट किया है तो इस डेकोरेटिव प्लेटर पे हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे. तो मजा लीजिए, लुत्फ उठाइए इस लॉकडाउन के अंदर चटपटे चपाती सैंडविच के संग. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अल यखनी होता क्या है. कश्मीर में लौकी को ही अल कहा जाता है और यखनी का मतलब है दही से बना हुआ सॉस या दही की ग्रेवी. लौकी को मैंने हाफ में कट कर लिया है. इस तरह से स्लाइस कर लेते को पील करने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद ही स्लाइस करें. ये सभी स्लाइसेस मैंने रेडी कर लिए हैं. अब हम घोल बनाएंगे. स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे. हाफ टी स्पून नमक मैंने डाला है. 1/4 टीस्पून हल्दी डाल लेंगे, हल्दी पाउडर. अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका थिक बैटर बना लेंगे. ध्यान रहे लम्स नहीं पड़ने चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा ही पानी ऐड करके मिक्स करते जाएंगे. बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए. अब एक पैन में 4-5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे. 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है मैंने. आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं. जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम बैटर में स्लाइसेस डिप करेंगे. इस तरह से डिप करके ऑयल में डाल देंगे. इसी तरह से हम सारी स्लाइसेस बैटर में डिप करके डालेंगे. इन्हें हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, सेलो फ्राई ही कर रहे हैं. आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं. फ्लेम को हमें स्लो टू मीडियम पे ही रखना है. अब इन्हें पलट देंगे धीरे से
ब्राउन होने तक पकाना है दोनों साइड से। ये सभी दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। हमने जिस पैन में लौकी को सेलो फ्राई किया था उसी पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, इलायची डाल लेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डाल लेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा भी डाल देंगे, 1 पिंच हींग डाल लेंगे, सौंठ पाउडर डाल लेंगे 1/4 टीस्पून, आप इसकी जगह अदरक का भी यूज कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून सौंठ पाउडर भी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून पुदीना को क्रश कर लेंगे, इन्हें क्रश करके डाल लेंगे, पानी डालेंगे, 1 कप पानी डालेंगे, फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। अब हम 1 कप दही डालेंगे, दही डालकर लगातार चलाएंगे जिससे दही फटे नहीं। 4 से 5 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद यखनी गाढ़ी हो चुकी है, अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब यखनी सॉस को एक बोल में निकालेंगे। अब हम यखनी सॉस में जो लौकी के क्रिस्पी फ्राई करके बनाए थे वो डाल लेंगे इस तरह से। ये अभी क्रिस्पी हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। लौकी को फ्राई करते समय हमेशा एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ये लौकी अच्छे से पक जाना जरूरी है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा लौकी अच्छे से गल गई है यखनी सॉस के अंदर। अल को डिप कर लेंगे फ्राइड लौकी को इस तरह से। इस रेसिपी में मैंने कहीं भी तीखे का यूज नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। खेल रहे फफले की सब्जी बना रही हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। ये है काकड़िया उबाल के लिए हमने, और ये सूखे हुए टिंडे होते हैं इसको हम फफले बोलते हैं, इसको हमने सुखा ये उबाल दिया है, या आप इसको रात को भी भिगो के रख सकते हैं और सुबह इसको उबाल सकते हैं, आप सुबह भी इसको उबाल के इसको तैयार कर सकते हैं। ये सूखी ग्वार है, ग्वार फली है, इसको भी हमने उबाल लिया है और उसको तैयार कर लिया है। ये बड़ी है, इसको भी हमने उबाल के तैयार कर लिया है। ये काचरी की खटाई है, ऐसे ये सूखी हुई काचरी है, इसको हमने पीस के खटाई तैयार कर ली है। ये जीरा है, ये थोड़ी सी चीनी है, ये गरम मसाला है, ये रेड चिली है, ये बे लीव्स है, और इसमें हमने 4 काली मिर्च और 2 लौंग भी लिए हैं, और हींग है। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालेंगे, सो इस सब्जी में थोड़ा तेल ज़्यादा डलता है। अब हम तेल को पकने देंगे। अब तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा जब क्रैकर हो जाएगा तब हम इसमें जीरा, अब ये पक रहा है, अब इसमें हम 2 लौंग डालेंगे और ये 4-5 काली मिर्च के दाने डालेंगे, और ये सूखी हुई कचरी है। और ये हींग डालेंगे, हींग का फ्लेवर अच्छा होता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखती है। अब हम अपने बेसिक मसाले डालेंगे। सबसे पहले थोड़ी हल्दी डाल रहे हैं, फिर लाल मिर्च, काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया, कसूरी मेथी, सौंफ का पाउडर, गैस को हम सिम रखेंगे जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं, और हम नमक अपने स्वादानुसार डालेंगे, और इसको हम अपना थोड़ा हिलाएंगे, मसाले को पकाएंगे। हम ये रेड चिली डालना भूल गए थे, इसको भी हम ऐड करेंगे। अब मसाला पकेगा, इसके लिए हम थोड़ा पानी मिलाएंगे जिससे कि हमारा मसाला जलेगा। अब इसमें हम ये सूखे हुए काकड़िया मिलाएंगे, इसमें सूखे हुए टिंडे डालेंगे जिसको हम की हमने बॉईल करके रखा हुआ है, और ये है हमारी ग्वार फली।
जो भी हमने ना बॉयल करके रखी हुई है, ये हमारी बड़ी है, ये हम इसके ऊपर कचरे की खटाई डालते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको पकाएंगे और इसमें हम थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे, इससे भी इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। और ये है हमारा गरम मसाला, ये हमारे इसमें हमारे सारे औषधीय गुण होते हैं और ये हमारे शरीर में अच्छे औषधीय गुण होने के कारण ये हमें बहुत फायदा करता है। इसको हम लीड लगा देते हैं और 5 मिनट के लिए हम इसको कुक होने दें। हमारे 5 से 10 मिनट हो गए हैं, सब्जी पक के तैयार हो गई है। We have grinded the biscuit and it's in a powder form now. Now we'll add oil in it. We'll mix it well. We'll add a little milk of milk in it. See the consistency of this batter. And now we'll add baking powder in it. Little milk. And a little bit of milk. Mix it well. Mix. We'll pour this batter in a baking tin. Now we'll put this baking tin into a wok. We will cook it for 20 minutes at low flame. Our 20 minutes are over and we are going to check the cake. It's very soft. I'm going to demold this pastry base. अब हमारा ओरियो चॉकलेट बेस बन चुका है। अब हम इसे धीरे धीरे कट करेंगे। अब हम इसे फ्लिप करेंगे और इसमें अपनी क्रीम लगाएंगे। हमारी क्रीम यहाँ पर सेट हो गई है। अब हम इसे उठाएंगे, फिर यहाँ रख देंगे। हमारी दो पेस्ट्रीज रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे इसमें पोर कर देंगे इस क्रीम को। पेस्ट्रीज आर रेडी एंड वी आर गोइंग टू डेकोरेट देम विद हाफ ऑफ द ओरियो बिस्किट।